हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। मेरे चैनल पर आप लोगों को सभी राज्यों की शिक्षक भर्ती से जुड़े विज्ञापन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताए जाते हैं। जो भी कैंडिडेट जॉब सर्च कर रहे हैं तो वीडियो लगातार देखते रहें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से आप लोगों को समय पर मिल सके। पिछले वीडियोस देखिएगा अगर आपके राज्य की वैकेंसी है, क्योंकि परमानेंट जो वैकेंसी है वो बिल्कुल आ रही है लगातार। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। ये भी जो है परमानेंट पोस्ट आई है, सैलरी 45,000 आप लोगों को दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, महिलाओं को यहाँ पर उम्र में 10 साल की छूट दी जा रही है। सभी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम तीन स्कूलों की बात करेंगे जहाँ से वैकेंसी जारी की गई है। इससे पहले जो है इन्हीं तीनों स्कूलों में PGT और TGT की वैकेंसी आई थी रेगुलर, आप लोगों को चैनल के माध्यम से मैंने बताई थी। अभी जो है प्राथमिक टीचर्स की जो है वैकेंसी निकाली गई है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म में तीनों स्कूलों के नाम जो है वो आप देख लें। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड न्यू दिल्ली 3, एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली 10, एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली 10, यहाँ से वैकेंसी है इन तीनों स्कूलों से। ठीक है, PGT और TGT की पहले आ चुकी है और अभी जो है लिस्ट जारी हो रही है। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था तो स्कूल की मेन वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं पिछले विज्ञापन की जो लिस्ट जारी हुई है, जो रिजल्ट है। अभी जो है प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है और ये भी जो है वो बिल्कुल रेगुलर बेस पर वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं। स्कूल की जैसे ही मेन वेबसाइट पर आते हैं, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड न्यू दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं फाइनल रिक्रूटमेंट नोटिस PRT। तो ये प्राइमरी टीचर्स के लिए फिलहाल वैकेंसी है। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी और एप्लीकेशन फॉर्म जो जारी हुआ था उसको भी जो है मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था, PGT और TGT की, बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भी फिल किए थे। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो विज्ञापन जारी हुआ है प्राइमरी टीचर्स का। तो यहाँ पर जो है सभी राज्यों के कैंडिडेट जो है वो आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पर PRT रेगुलर बेस पर वैकेंसी है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है क्या चाहिए, 50% अंकों के साथ जो है 12th आपकी होनी चाहिए और 2 साल का जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में जो है CTET पेपर 1 आपका या फिर STET किसी भी राज्य का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं और आपका स्टेट टेट क्वालिफाई है पेपर 1, तो आप यहाँ प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको हिंदी, मैथ, इंग्लिश जो है सब्जेक्ट पढ़ाना रहेगा। तो इससे पहले जो है वैकेंसी जो है वो आई थी, अभी जो है रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स, एप्लीकेशन फॉर्म 8 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक चलने वाले हैं। कल ही आया है यानी ये विज्ञापन, लास्ट डेट जो है 18 जनवरी शुक्रवार तक। एप्लीकेशन फॉर्म तीनों स्कूलों के लिए जो है एड्रेस आप ये लिखेंगे और यहाँ पर आप लोग सबमिट करवा सकते हैं जाके। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है फॉर ईच पोस्ट, हर पोस्ट के लिए ₹300 आप लोगों का डिमांड ड्राफ्ट जो है लगेगा स्कूल के नाम का। ठीक है, तीनों स्कूलों की जो मेन वेबसाइट का लिंक वो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। ऑफलाइन मोड में ही जो है फॉर्म यहाँ पर लिया जाएगा 8 जनवरी से 18 जनवरी तक। ऑल वर्किंग डे जो स्कूल चलते हैं, सैटरडे संडे और गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन जो है आप बिल्कुल ना जाएं। 9 बजे के बाद से जो है वो आप लोग चले जाएं 1 बजे तक फॉर्म सबमिट कराने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन मोड में जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपका फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, इसे आप लोग जो है पूरा भर लेंगे, डाउनलोड करके फिल करना है। और फिल करने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी कि उनकी फोटोकॉपी लेनी है, उनके नीचे जो है वो अपने साइन करने हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है वो आपके डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है, तो यहाँ पर जो है वो अपने साइन कर दें। ठीक है, और ये ध्यान रखें आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं जॉब के लिए, अगर फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर 10th की मार्कशीट को लेकर ही जो है जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसे ही देखकर आप फिल करें, चाहे आपके आगे के डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट लेना है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री और मार्कशीट, इसकी फोटोकॉपी लगेगी। आगे जो है जो भी हायर क्वालिफिकेशन की डिग्री है अगर आपके पास तो वो भी लगा दें, BLED, DLED आपने जो भी किया है। ठीक है,
उसके बाद जो है, अगर आपके पास कोई अनुभव सर्टिफिकेट है किसी भी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का, अगर है तो आप लोग फोटोकॉपी लगा दें, ठीक है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, सी टेट पेपर वन, एस टेट पास सर्टिफिकेट, ये तो आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट। यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होगा और यहाँ पर लिस्ट जो जारी होगी मंगलवार 30 जनवरी 2024 को जो है जारी की जाएगी। रिटर्न टेस्ट जो है आप लोगों का 10 फरवरी 2024 होगा। सबसे पहले जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, और उन्हीं कैंडिडेट का जो है रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, जिनको ये शॉर्टलिस्टेड करेंगे। 10 फरवरी 2024 को या फिर 11 फरवरी 2024 को टेस्ट हो जाएगा। कहाँ पर होगा? तो इन्होंने तीनों ही स्कूल के लिए बताया है कि एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर ही आपका रिटर्न टेस्ट होगा। और यही जो है एड्रेस रहेगा आप लोगों का, ठीक है। एज की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है पीआरटी के टीचर्स के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए रेगुलर पोस्ट है, 30 साल जो है उम्र रखी गई है, और बाकी एज रिलैक्सेशन और कैटेगरी वाइज जो है वो दिया ही जाता है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ 10 साल की जो है छूट यहाँ पीआरटी टीचर्स के लिए रखी गई है। और भी हम देख लेते हैं यहाँ पर और क्या है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है रिटर्न टेस्ट के बारे में। शॉर्टलिस्टेड करेंगे, ये आपको जानकारी 30 जनवरी 2024 को इसी मेन वेबसाइट पर स्कूल की आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर 20 फरवरी को जो है इंटरव्यू की डेट भी रखी जाएगी, यानी आपका रिटर्न टेस्ट भी होगा और साथ में जो है इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। सैलरी जो है, जो पिछला वीडियो आया था तो उसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मेंशन की गई थी, 45,000 तक सैलरी जो है आप लोगों को ये देंगे ही। तो बहुत अच्छी जो है वो वैकेंसी है एयरफोर्स स्कूल की, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और ऐसे कैंडिडेट जो कि दिल्ली में ही रहते हैं या आसपास रहते हैं, पीआरटी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि परमानेंट जो वैकेंसी हैं अभी आ रही हैं और जैसे ही ये फिल हो जाती हैं हर राज्य में जितने भी स्कूलों की जारी हो रही हैं, उसके बाद जो है बहुत कम ही जो है देखने को मिलती हैं रेगुलर वैकेंसी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।